नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस 99 में। दोस्तों मैं आपका दोस्त आर के कुशवाहा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट फिफ्थ लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब दो अनुपात दिए हों या दो से अधिक अनुपात दिए हों, तब दोस्तों इन अनुपातों में कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात छोटा है, इस बात को कैसे मालूम किया जाता है। दोस्तों आपने फंडा और ट्रिक कॉन्सेप्ट बहुत देखे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं वादा करता हूँ यहाँ पर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी मेथड यूज करेंगे जो सबसे अलग होगा, आज तक आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों ये वीडियो देख लेने के बाद इस टाइप के सवालों का आंसर आप 2 सेकेंड में दे सकोगे। तो बता रहा हूँ दोस्तों इस लेक्चर में हम कैसे सवाल लेंगे। दोस्तों सवाल कुछ ऐसे होंगे कि 2:7 तथा 3:11 में कौन सा अनुपात बड़ा है, 7:13 तथा 5:11 में कौन सा अनुपात बड़ा है, 5:7, 4:9 तथा 6:7 में कौन सा अनुपात बड़ा है। दोस्तों इस टाइप के हम सवाल लेंगे और मैं वादा करता हूँ ये वीडियो देख लेने के बाद आप इस टाइप के सवालों का आंसर ओनली 2 सेकेंड में दे सकोगे। दोस्तों तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि 2:7 तथा 3:11 में कौन सा अनुपात बड़ा है। दोस्तों तो दोस्तों 2:7 का मतलब है 2/7 और 3:11 का दोस्तों मतलब है 3/11। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको। दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले हम इसकी इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों 11 × 2 = 22 आ रहा होगा। अब दोस्तों जब 7 की हम 3 में गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा 7 × 3 = 21। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा अनुपात बड़ा है। दोस्तों 22 बड़ा है, 21 छोटा है। दोस्तों जो अनुपात बड़ा हो, जो संख्या बड़ी हो इन दोनों में, उसके सामने जो अनुपात लिखा हो दोस्तों, जो भिन्न लिखी हो दोस्तों, वही भिन्न बड़ी होगी। इसका मतलब दोस्तों 22 बड़ा है 21 से, इसका मतलब दोस्तों 22 के सामने दोस्तों क्या लिखा है, 2/7। इसका मतलब दोस्तों 2:7 बड़ा है किस से दोस्तों, 3:11 से। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 3:4 तथा 5:6 में कौन सा बड़ा है। दोस्तों बहुत ईजी है दोस्तों, 3:4 का मतलब मेरे दोस्तों है 3/4 और 5:6 का मतलब है 5/6। दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले हमेशा दोस्तों ऐसे ही गुणा करनी। दोस्तों 6 × 3 में कर रहे होंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 18 है, और दोस्तों जब हम 5 × 4 में कर रहे होंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा 5 × 20। अब दोस्तों आपको क्या देखना है कि 20 अनुपात बड़ा है 18 से दोस्तों, यानी ये वाली संख्या दोस्तों बड़ी है 18 से। इसका मतलब दोस्तों इस संख्या के सामने, 20 के सामने दोस्तों जस्ट ऊपर की तरफ जो अनुपात लिखा है, जो भिन्न लिखी है दोस्तों, वही भिन्न हमारी बड़ी है। दोस्तों इसका मतलब 3:4 में बड़ा है दोस्तों 5:6 दोस्तों या 5:6 दोस्तों, यही दोस्तों हमारा आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7:13 तथा 5:11 में कौन सा अनुपात बड़ा है। दोस्तों बस दोस्तों कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको। 7:13 का मतलब दोस्तों 7/13, 5:11 का मतलब दोस्तों 5/11। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 7 × 11 में मल्टीप्लाई दोस्तों 11 × 7 = 77। उसके बाद दोस्तों 5 × 13 मल्टीप्लाई दोस्तों 13 × 5 = 65। दोस्तों अब देखना है दोस्तों यहाँ पर कौन सा अनुपात बड़ा है, 77 बड़ा है 65 छोटा है। दोस्तों 77 के सामने दोस्तों क्या लिखा है दोस्तों, 77 के सामने 7/13, यानी दोस्तों इसका मतलब दोस्तों 7/13 दोस्तों 7:13 बड़ा है दोस्तों किससे, 5:11 से। दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2:7, 3:11 था 3:4 में कौन सा बड़ा है। दोस्तों कौन सा अनुपात बड़ा है, दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों 3:11 है। दोस्तों थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, लाइट लग रही होगी, 3:11 दोस्तों 11 है। दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों 2:7 का मतलब दोस्तों होता है 2/7, 3:11 का मतलब दोस्तों 3/11 है, और 3:4 का मतलब दोस्तों होता है 3/4। दोस्तों करना क्या आपको, सबसे पहले दोस्तों इसकी गुणा करेंगे और इसकी दोस्तों गुणा करेंगे। दोस्तों जब हम गुणा कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा 11 × 2 = 22, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसकी करेंगे दोस्तों तो 7 × 21। अब दोस्तों 3 × 4 में करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 4 × 3 = 12। उसके बाद दोस्तों 3 × 11 में करेंगे तो 11 × 3 = 33। अब दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है कि हमेशा लास्ट वाला अनुपात और स्टार्टिंग वाला अनुपात, दोस्तों लास्ट वाला अनुपात दोस्तों लास्ट वाले भिन्न का होगा और स्टार्टिंग वाला अनुपात दोस्तों
स्टार्टिंग वाले भिन्न का होगा। और दोस्तों जो बीच वाले दोस्तों जो दो अनुपात दिए हैं ये हमेशा दोस्तों बीच वाले भिन्न के होंगे, हमेशा दोस्तों बीच वाले भिन्न के होंगे। अब दोस्तों ये एक ट्रिक है और इस ट्रिक से बहुत ज़्यादा सवाल लगेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। दोस्तों दोस्तों आपको क्या करना है कि अब सबसे पहले दोस्तों लास्ट वाले देखने दोस्तों, तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ा अनुपात दोस्तों कौन सा है, 33। अब दोस्तों 33 के सामने जो भिन्न लिखी है 3/4, इसका मतलब दोस्तों ये भिन्न सबसे बड़ी है। अब दोस्तों 33 से छोटा अगर हम दोस्तों ये हम सबसे बड़ी भिन्न क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा अनुपात क्या दोस्तों, इसका मतलब सबसे बड़ा अनुपात 3/4 है। अगर दोस्तों मैं इन सबको अगर चेक करूँ तो दोस्तों कैसे देखेंगे जरा, सबसे बड़ा दोस्तों रहेगा 3/4, उसके बाद दोस्तों 12 को देखेंगे और 21 को देखेंगे। दोस्तों 12 और 21 या 12 कह लो दोस्तों या 21, लेकिन ये दोनों अनुपात दोस्तों इस 22 से तो छोटे हैं, इसका मतलब दोस्तों ये बीच वाला जो अनुपात है 21:12 ही दोस्तों शो करेगा 3:11 को। दोस्तों लास्ट वाला जो है ये दोस्तों 2/7 को दोस्तों, इसका मतलब ये दोस्तों कि सबसे बड़ा अनुपात हमारा रहेगा 3/4, उसके बाद दोस्तों आएगा 33 से छोटा दोस्तों क्या है 22, यानी दोस्तों उसके बाद रहेगा हमारा 2/7 और दोस्तों लास्ट में रहेगा 3/11 दोस्तों, ये सबसे छोटा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5/7 का 4/9 व 6/7 में कौन सी भिन्न बड़ी है। दोस्तों याद रखना भिन्न कह लो चाहे अनुपात में कह लो, बात ही दोस्तों एक ही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, 5/7 लिखेंगे, 4/9 लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों 6/7 लिखेंगे दोस्तों। बहुत ईजी तरीका है दोस्तों, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले इसकी इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई करनी है, 9 × 45, उसके बाद दोस्तों 7 × 4 में करनी है दोस्तों, 4 × 7 = 28, उसके बाद दोस्तों 4 × 7 में करनी है, 4 × 7 = 28, और 9 × 6 में दोस्तों करनी है, 9 × 6 = 54। दोस्तों हमने आपसे कह दिया है कि हमेशा लास्ट वाला रेशियो और स्टार्टिंग वाला रेशियो आपको पहले देखना है दोस्तों। लास्ट वाला रेशियो 54 और स्टार्टिंग वाला दोस्तों रेशियो है 45। और दोस्तों बीच वाले दोनों रेशियो हैं दोस्तों ये हमेशा बीच वाले भिन्न को शो करेंगे, इंडिकेट करेंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे बड़ा रेशियो हमारा 54 है दोस्तों, 54 के सामने जो भिन्न लिखी है दोस्तों 6/7, ये सबसे बड़ी भिन्न है। और 45 के सामने दोस्तों ये भिन्न लिखी है 5/7, ये दोस्तों 5/7, इसका मतलब दोस्तों ये 6/7 से छोटी है दोस्तों। और 28 जो रेशियो है दोस्तों, ये दोस्तों दो रेशियो 28:28, ये दोस्तों बीच वाले भिन्न को शो करेंगे दोस्तों। ये वाले रेशियो देखने हैं आपको दोस्तों, अगर ये वाले दोस्तों दोनों रेशियो इस वाले रेशियो से छोटे हैं तो दोस्तों ये बीच वाला रेशियो बड़ा होगा, चाहे वो कैसा भी हो दोस्तों। सबसे बड़ी भिन्न हमारी होगी दोस्तों 6/7, उससे दोस्तों क्या है 45 के सामने दोस्तों 5/7, इससे छोटी होगी दोस्तों, और सबसे छोटी भिन्न दोस्तों होगी 4/9। तो यही दोस्तों हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन दोस्तों कहता है 6/9 का 5/7 व 3/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों देखना जरा, 6/9, 5/7, 3/8, दोस्तों आपको सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 6 × 7 = 42, उसके बाद दोस्तों आपको करना है 9 × 5 में, 9 × 45, उसके बाद दोस्तों आपको करनी है 8 × 5 में, 8 × 5 = 40, उसके बाद दोस्तों आपको करनी है 3 × 7 में, 3 × 7 = 21। अब दोस्तों जरा देखिए कि बीच वाला जो रेशियो है 45:40, यानी दोस्तों स्टार्टिंग वाले रेशियो और लास्ट वाले रेशियो से दोनों से बड़ा है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि दोस्तों बीच वाले रेशियो को दोस्तों जो भिन्न इंडिकेट कर रही होगी दोस्तों वो भिन्न सबसे बड़ी होगी दोस्तों। सबसे बड़ी भिन्न हमारी दोस्तों 5/7 रहेगी, और 45 या दोस्तों 45 को दोस्तों जब हम देखेंगे, अब 45 के बाद दोस्तों हमारा कौन सा रेशियो आएगा 42, यानी ये भिन्न दोस्तों हमारी कैसी रहेगी
छोटी से रहेगी और दोस्तों सबसे छोटी ये वाली भिन्न हमारी रहेगी। दोस्तों इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों हमारी होगी 5/7, इससे छोटी भिन्न दोस्तों होगी 6/9 और सबसे छोटी दोस्तों भिन्न होगी हमारी 3/8। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों।